रांची में अगर आधे घंटे का बारिश हो जाए तेज तो सड़कों पर पानी जमा हो जाती है। लगातार हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से वार्डों में दिक्कत होती है, लेकिन अब यह नज़ारा है रांची रेलवे स्टेशन का, जहां की कई सारे ऑटो ड्राइवर रिक्शा ड्राइवर्स यहां पर सवारी के लिए खड़े रहते हैं और पैसेंजर्स की इंतज़ार करते हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के बारिश में देखिए किस तरह से जल जमाव यहाँ पर हो चुकी है और लोगों को देखिए किस तरह से दिक्कतों का सामना सामान लेकर उठाना पड़ता है। बताइए कितना पानी जमा हो जाता है अगर बारिश होता है तो? 5 मिनट के बारिश में भैया कम से कम जो हालत देख रहे हैं देख लीजिए, कोई आदमी आने जाने से एकदम वंचित हो जाता है। ट्रेन कितना तो बोलता है, बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जगह डाउन में है ना, जगह डाउन में है। पहले जमा होता था पानी या रोज? पहले भी होता था, हर साल हर बार थोड़ा सा 10 मिनट बारिश होगा रांची की स्थिति बिगड़ जाएगा। तो नगर निगम कहती है कि बड़ा अच्छा व्यवस्था, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम का, रेलवे के अंदर में आता है, लेकिन नगर निगम भी कहता है कि मेरा इलाका है, लेकिन देखिए हालत देख लीजिए इधर का सारा पब्लिक का, कितना पब्लिक का ट्रेन छूट गया इसके चक्कर में, पानी के कारण सामान भीग जाएंगे, सामान भीग गया क्या वो जा ही नहीं पाएगा, लेडीज है, लड़की है, बच्चा है, भारी सामान है, कैसे लेके जाएगा। हटिया राजधानी गई ट्रेन, हटिया राजधानी चाहे लेपी गया सभी ट्रेन छूट जाते हैं, सब छूट जाता है। लोहरदगा कितना का छूट गया? देखिए भाई साहब का कहना है कि ट्रेन छूट जाता है, इस वक्त भी हम देखिए, हम अगर इस ये रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, हमारा पूरा जूता आप देख सकते हैं कि भींग चुका है पानी में, और भींगने के साथ साथ ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ इसलिए कि कम से कम नगर निगम जो ये दावे करती है कि जो ड्रेनेज व्यवस्था रांची की बहुत बेहतर कर दी गई है, उनके लिए नगर निगम के लिए ये वीडियो है। देखिए कि किस तरह से रेलवे हो या नगर निगम हो, मैं दोनों को कहना चाहूँगा कि जो आप लाख दावे करते हैं कि काफ़ी बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था है सभी के, देखिए फल किस तरह से डूबे हुए हैं और जिनके दुकान है उनका नुकसान आप कह सकते हैं घुटने तक पानी है। देखिए हमारे पीछे दुकान केला का दुकान है, लेकिन सभी के दुकान डूब चुके हैं। हम कोशिश करेंगे वहां तक जाएं और बात करें कि आखिर वह अपने दुकानों को कैसे लगाते हैं, जब मुश्किल से हमें लगता है 10 से 15 मिनट की बारिश हुई है और उस बारिश में या जल जमाव की समस्या कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गई है, जिससे कि जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कई यात्रियों का ट्रेन भी छूट गया इस बारिश के कारण, कि पानी में उतर कर अगर जाएंगे तो उनका सामान भींग जाएगा। तो क्या सब सामान आप लोगों का भींग गया? देखिए कितनी तेज़ बारिश अगर हो जाती है यहाँ तो बिल्कुल आप लोगों का क्या भींग गया सब कुछ? तो कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं आप लोग यहाँ बताइए, आप ही लोग का दुकान है? हाँ। सब डूब गया पूरा एकदम, क्या करें, हमेशा बाढ़ आता है हो जाता है, बाढ़ आता है तो इसी डूब जाता है, तो 10 मिनट का पानी हुआ उसी में डूब गया। हाँ। तो देख लीजिए सर स्थिति स्टेशन का, पानी गिरने के बाद यहाँ दरिया बन जाता है, पानी गिरने के बाद रांची स्टेशन का हाल पूरा पानी जमा हो जाता है। देखिए ना आपके सामने तो नजारा है, देख लीजिए खाली दिक्कत तो देखिए ना सर, ठेला फल वाले लोगों को देखिए किस तरह दिक्कत काट रहा है। देखिए ये तस्वीरें जो है रांची स्टेशन की है, और जरा सा अगर बारिश हो जाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारिश, ये आधे घंटे का अगर बारिश हो जाए तो पूरा जल जमाव जो है यहाँ पर हो जाती है। तो ये तस्वीर राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन की है, जहाँ की पूरा घुटना तक पानी आप कह सकते हैं, सभी दुकानदारों को देखिए सभी दुकान है, रेलवे कहती है कि बेहतर व्यवस्था जो है, कई सारे योजनाओं में कहा जाता है कि विकास डेवलपमेंट रेलवे नगर निगम कहती है, क्या डेवलपमेंट यही विकास है, यही विकास है। देखिए भैया कि नाला का तो सरकार बनवाई है, नाला बंद हो गया सफा। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से कैसे आप लोग बताइए, कैसे आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? तो डूब गया पूरा सब चीज़, बरसात हर बरसात के ऐसे ही होता है, हर बरसात में यही हाल होता है, पूरा डूब गया। तो डूब के पानी में खा रहे हैं लोग, कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचे? बारिश से पहले आए थे या बारिश में ही फंस गए? बारिश में ही फंस गए, आप जाइए प्लीज। जाइएगा कैसे इस पानी में? ऐसे ही जाएंगे। कहाँ ट्रेन पकड़ना है? हाँ ट्रेन लेने पकड़ना है, एक ट्रेन की मिस हो गई, हटिया छूट गया ट्रेन। हाँ अब नेक्स्ट ट्रेन से जाएंगे। आपका भी ट्रेन छूट गया इस बारिश से पानी के कारण? हाँ। देखिए जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि ट्रेन हमारा इस बारिश के पानी के कारण
जितने दुकानदार है सब इस वक्त हाँ बताइए बाबा क्या दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। क्या बहुत दिक्कत है? खाने पीने का, रहने पीने का। ठेला पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा बैठे रहेंगे। कहाँ जाना था? बहुत दूर जाना था। कहाँ यहाँ लिट्टी वाले भैया के पास बैठे हुए हैं। कहाँ जाना था? पटना जा रहे हैं इनका कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से रांची नगर निगम और रेलवे की पोल कहीं ना कहीं इस बरसात के पानी में खुलते हुए दिख रही है। और ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ ये रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूँ और काफ़ी घुटना तक पानी यहाँ आप कह सकते हैं जमा हो जाता है अगर थोड़ी देर की बारिश हो, जिससे कि कई यात्रियों के ट्रेन छूट जाते हैं क्योंकि सामान लेकर पॉसिबल नहीं है कि इस पानी में बच्चे लेकर सामान लेकर वह ट्रेन पकड़ सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से जल्द ड्रेनेज सुविधा कम से कम जो सरकार और नगर निगम कहती है कि बेहतर की जा रही है, रेलवे जो कहती है वह कहीं ना कहीं बेहतर करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। जो हमारे पीछे आप दुकान देख रहे हैं ये आधे पानी में डूब कर अपना धंधा कर जो दुकान लगाए हुए हैं और रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से पूरा ठेला पानी में आधा में डूब चुका है और सवारी आ जा रही है। राजधानी रांची से राय लगातार के लिए मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।